सो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैंने इस टॉपिक को इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए एक नोट्स बनाए हैं। तो लगता है कोई मशीनरी जब आप ख़रीदते हो तो साल दर साल जो होता है उसकी वैल्यू में थोड़ी सी गिरावट आती है। जो गिरावट आती है उसे हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मान लीजिए कोई इंसान है, जैसे आपने देखा होगा इसमें लिखा है, जैसे कोई इंसान है, मान लीजिए उसने अपनी कंपनी के लिए 5 मशीनरीज परचेज करी, ठीक है। हर एक मशीन की कॉस्ट 60,000 रुपीज़ थी, ठीक है। उसने 1 अप्रैल 2009 को 5 मशीनरी खरीदी जिसकी कॉस्ट 60,000 रुपये की थी, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि मशीनरी की 10% कॉस्ट जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी और उसकी मशीन की कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में ये भी बताया गया कि 1 अप्रैल 2011 को एक मशीन को बेच दिया जाता है और जो प्रोविज़न ऑफ डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनता है, जो बेसिकली डेप्रिसिएशन के लिए एक प्रोविजनल अकाउंट बनता है, उसका क्या यूटिलाइजेशन, किस तरीके से उसका एक यूज़ होता है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, जब भी डेप्रिसिएशन लगता है तो वो मशीनरी अकाउंट के इंडिविजुअल अकाउंट में ही लग जाता है। बट दूसरी सुविधा एक दी जाती है कि मशीनरी अकाउंट को सेपरेट रखें और जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो दूसरे अकाउंट में लगा दिया जाए। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इस तरीके से डिटेल्स बना लें। देखिए, मैंने बनाया 1/4/9 को 5 मशीन खरीदी गई हैं, उसके बाद रिस्पेक्टिव कॉलम में मैंने डिटेल्स लिख ली हैं। याद रखिएगा, जितने भी फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं उसका जो स्टार्टिंग होती है वो 1 अप्रैल ऑफ द पर्टिकुलर ईयर, और जो उसका एंड डेट होता है उस फाइनेंशियल ईयर को ख़त्म जब हम करते हैं, दैट इज़ 31 मार्च। तो जो भी पीरियड का डेप्रिसिएशन लगना होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक लगता है, यानी 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगता है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का कैसे, कितनी ईजी लैंग्वेज में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बनाया मशीनरी अकाउंट। देखिए, 1 अप्रैल 2009 में मैंने 5 मशीनरी खरीदी थी, तो इसको मैंने मशीनरी अकाउंट में बैंक के नाम से डेबिट कर दी, क्योंकि जब आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो मशीनरी का अकाउंट में आपने उसको डाल दिया, ठीक है। दैट इज़ 3 लाख रुपये। 60,000 रुपये की एक मशीनरी थी, 5 मशीनरी आपने खरीदी, तो 3 लाख रुपये की मशीनरी यहाँ पर आपने खरीद ली, ठीक है। अब साल का एंड कब होता है, 31 मार्च को। ये देखिए, 31 मार्च को भी क्या वैल्यू रहेगी मशीन की, 3 लाख। यूजुअली क्या होता है, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो मशीनरी के अकाउंट में ही होता है। तो यहाँ पे जो आप बाय बैलेंस सीडी देख रहे हैं 3 लाख रुपए का, वो इसलिए है क्योंकि वो ओरिजिनल कॉस्ट हमेशा यहाँ पर पूरे साल, जितने भी साल ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा उसमें हर साल जो है, जब तक मशीन बिच नहीं जाती तब तक ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन्स इस अकाउंट में दिखती रहेंगी, क्योंकि हमने एक सेपरेट अकाउंट बनाया है डेप्रिसिएशन के लिए, दैट इज़ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। ये वैल्यू जो है 3 लाख की आपको दिख रही है साल के अंत में। अब डेप्रिसिएशन कैसे लगाया जाता है, 1 तारीख को जो आपने मशीन को ख़रीदा 3 लाख रुपये में, एक मशीन नहीं, दैट इज़ 5 मशीन है, ठीक है। 5 मशीन 3 लाख रुपये की आपने खरीदी, 60,000 रुपीज़ ईच। अब उस पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया 10%, सिंपल 10% के जब आप इंटरेस्ट लगाओगे, 10% का डेप्रिसिएशन लगाओगे, दैट इज़ 30,000 रुपीज़। तो कहने का मतलब है कि एक साल में उन मशीन के ऊपर 30,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगता है। खत्म हुआ फाइनेंशियल ईयर 2009-10, जब ख़त्म हुआ तो उन मशीन पर कितने की, 30,000 का डेप्रिसिएशन लगा। हमने बताया कि जो 30,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा उसके लिए कंपनी ने एक प्रोविज़न बनाया है, उसके लिए एक प्रोविजनल अकाउंट बनाया है जिसमें उस डेप्रिसिएशन के अकाउंट को वो रखेंगे, अमाउंट को वो रखेंगे। ये देखिए, लास्ट डेट पर वो डेप्रिसिएशन कितना नज़र आ रहा है आपको, 30,000, ठीक है। इसी तरीके से जब भी डेप्रिसिएशन मशीनरी पे चार्ज होगा तो वो एक सेपरेटेड अकाउंट में रखा जाएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसी का रिफ्लेक्शन शो करेगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के दूसरे एरिया पे, जब मशीन बेचेगी, जब मशीन जब सेल होगी तब उस तरीके के एडजस्टमेंट कैसे किए जाएंगे। देखिए, 1 अप्रैल 2011 को एक मशीन 40,000 रुपये की बेची जाती है। अब आप देखिएगा,
एक मशीन की कॉस्ट कितनी है 60,000 रुपीज़। ठीक है, एक मशीन की कॉस्ट कितनी है 60,000 रुपीज़। वो मशीन कब खरीदी थी हमने, 1 अप्रैल 2009 में खरीदी थी, और वो सेल कब हो रही है 1 अप्रैल 2011 में, यानी 9, 10 और 10 और 11 यानी 2 साल का डेप्रिसिएशन उस पर्टिकुलर मशीन पर लगा होगा। उस पर्टिकुलर क्या, जितनी भी मशीन्स थी यानी 5 मशीन पर 2 साल का डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली लगा होगा। ठीक है, दैट इज 1 साल जो डेप्रिसिएशन टोटल मशीनरीज पे लग रहा है 30,000, एंड बेसिक मैथ्स के अकॉर्डिंग दूसरे साल जब लगेगा तो कितना हो जाएगा 60,000। यानी 2009 से 2010 में जो डेप्रिसिएशन लगा टोटल वो कितना लगा 30,000 रुपये। 30,000 रुपये डेप्रिसिएशन कितना किस पे लगा, टोटल मशीनरी, दैट इज 5 मशीनरी की, 5 मशीनरी पर हमको 30,000 रुपये डेप्रिसिएशन देना पड़ा। हमें पता है कि 2 साल तक मशीन यूटिलाइज रही और तीसरे साल के पहले ही मंथ में वो मशीन बिक गई, दैट इज़ 1 अप्रैल को। यानी 2 साल पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, 2 साल पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ 60,000, 30 + 30 60,000 2 साल में। बट दैट इज 60,000 बिलोंग्स टू 5 मशीनरी। अब एक मशीनरी पे अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, 60,000 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 12,000। देखिए यहाँ पे दिखाया वर्किंग नोट में, यानी एक मशीन पर 12,000 का डेप्रिसिएशन लगा। एक मशीन आपने कितने की खरीदी थी, 60,000 रुपये की। डेप्रिसिएशन का मतलब उसकी वैल्यू घटेगी, यानी उसकी मशीन की 2 साल में जो वैल्यू घटी वो कितनी घटी, 12,000 रुपये। प्रेजेंट वैल्यू यानी 1 अप्रैल 2011 को उसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई 48,000 रुपये। वो मशीन 40,000 रुपये की सेल कर दी गई, यानी कम अमाउंट में उसको बेच दिया गया, दैट मीन्स आपका हो गया नुकसान 8,000 रुपये का। अब इसको हमें इस अकाउंट्स के में कैसे दिखाना है वो सीखिए। देखिए, जब भी कोई मशीनरी जब हम बेचते हैं तो मशीनरी अकाउंट के राइट हैंड साइड पे आता है। देखिए, 1 अप्रैल को आपने एक मशीनरी बेची कितने की, 40,000 रुपये की। ठीक, क्योंकि हम मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं दिखा रहे हैं, किस अकाउंट पे दिखा रहे हैं, एक सेपरेट अकाउंट दैट इज़ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखा रहे हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि टोटल जो 2 साल में मशीनों पर डेप्रिसिएशन लगा दैट इज़ 60,000 रुपीज़। ठीक है, अब आपको पता है कि आपकी मशीनरी 40,000 की बिची, वर्किंग नोट में भी आपको दिख रहा है कि किस तरीके से 8,000 का नुकसान हुआ। अब ये देखिए, जो उस पर्टिकुलर मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगा था 2 साल में, दैट इज़ 12,000 रुपये। वो 12,000 रुपये हमें इस प्रोविजन वाले अकाउंट से निकाल कर मशीन के अकाउंट में वापस भेजना होगा। इसलिए भेजना होगा ताकि उस मशीन की कॉस्ट को कम किया जाए, क्योंकि मशीनरी अकाउंट जो बनेगा वो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट शो करेगा, लेकिन जो मशीन बिच चुकी है उस मशीन की कॉस्ट वो शो नहीं करना चाहिए उसको नेक्स्ट ईयर से। इसीलिए यहाँ का जो डेप्रिसिएशन होगा 12,000 उस पर्टिकुलर का, वो उठा के हम लोग कहाँ भेज देंगे, मशीन के अकाउंट में भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें उस मशीन को राइट ऑफ करना है। अब देखिए, बैंक से इनकम हुई 40,000 रुपये, 12,000 रुपये का हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन जो उसके ऊपर चार्ज किया था। अब जो बैलेंसिंग फिगर आई वो आई 8,000 का नुकसान हो गया आपको, जो कि यहाँ दिख रहा है। अब देखिए, जो नेक्स्ट ईयर यानी 1 अप्रैल 2011 को जो वैल्यू दिखेगी मशीन्स की वो कितनी होनी चाहिए, 2,40,000 रुपये, जो कि दिख रही है, क्योंकि 60,000 की मशीन तो आपने बेच दी, लॉस में भेजी या प्रॉफिट में भेजी, दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। तो ये होता है बेसिक फंडा ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कुछ भी नहीं है, एक सेपरेटेड अकाउंट होता है जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।